आप सबको वेलकम कहता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया और आपसे मुखातिब है औरंगजेब। आज मेरे पास रेडमी नोट 9 मौजूद है और रेडमी नोट 9 पर मैंने जो रोम फ्लैश की है इसका जो फीचर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिए हैं। ज़रा ज़रूरी है कि आप पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रोम कितनी ज़बरदस्त रोम है। जो आपको स्टॉक रोम में नहीं मिलता वो आपको इस रोम में मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, आप एक नज़र आपको दिखाता चलूं तो स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग्स में जब मैं टैप करूंगा और यहां देखिएगा जो फ्रेम रेट है वो आप इस पे टैप करेंगे तो 48 फ्रेम पर सेकंड, 60 फ्रेम पर सेकंड, 90 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो गेम्स हो चाहे वो कुछ और हो। ये आपको स्टॉक रोम पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा सुपर लाइफ वॉलपेपर जो है वो इसमें मौजूद है, दिखाता चलूं, जो कि आपको स्टॉक रोम में नहीं मिलता, अलग से आपको इंस्टॉल करके इसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी। इसके अलावा सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो मी डायलर है, जिसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मिलेगी, आप चाहे मैन्युअली कॉल रिकॉर्ड करें या ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। और मी SMS एप्लीकेशन भी इसमें मौजूद है। बेसिकली ये अगर मैं सेटिंग्स में आपको जाके दिखाता चलूं अबाउट फोन में, तो देखिएगा MIUI वर्जन 12.5.1 और अगर ब्रैकेट्स में देखें तो ID स्टैंड फॉर इंडोनेशिया। ये स्टॉक इंडोनेशियन रोम है जिसे मॉडिफाई किया है। इसके अलावा ये रोम आपको प्री रूटेड मिलेगी, मैजिस एप्लीकेशन साथ में मिलेगा। मॉड्यूल्स पे टैप करेंगे तो बड़ी लिस्ट आपको नजर आएगी मॉड्यूल्स की, जिससे आप इंस्टॉल करके इस मॉड्यूल्स के थ्रू आप रोम को मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैजिस का हाइड अगर आपने टर्न ऑन कर दिया हो तो यहां पर आप जब टैप करेंगे तो आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टर्न ऑन कर सकते हैं जो रूटेड डिवाइस पर नहीं चलती, यहां से आप अपनी वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन कर सकते हैं। तो प्री रूटेड का ये फायदा है कि आपको रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 95% मैं कहूंगा कि बेटर देन स्टॉक MIUI रोम। चला, बहुत ज़्यादा मुझे सवाल जो पूछा जाता है वो है कि स्पेशल फीचर में जाके इसमें गेम टर्बो है कि नहीं। जनाब, इस रोम में आपको गेम टर्बो मिलेगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की, ये मैं आपको वीडियो में ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आप गेम को ऐड कर सकते हैं टर्बो बूस्ट करने के लिए। और जनाब, आपको पता है कि रेडमी नोट 9 जो कि एक डिवाइस है जिसमें रिफ्रेश रेट आपको 60Hz डिफ़ॉल्ट मिलेगा, लेकिन इस रोम में आपको दो फीचर्स मज़ीद मॉडिफाई मिलेंगे। एक तो है रिफ्रेश रेट, यहां भी जब आप टैप करेंगे तो आपके पास यहां पे ऑप्शंस मौजूद हैं सेटिंग्स के। 60Hz स्टैंडर्ड है, 90Hz जो है वो रिफ्रेश रेट है जो कि बढ़ जाता है, स्मूथनेस बढ़ जाती है। बाकी 120Hz है, 144Hz है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दो काम करेंगे, बट 90Hz जो है वो मॉडेड है और वो काम करेगा। तो आप यहां से 90Hz की रिफ्रेश रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा AI इमेज इंजन में दे दिया है, जिसमें मजीद आपके पास फीचर्स मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो जो ऑप्शंस आप इसमें टैप करके ऑन करना चाहें वो आप अकॉर्डिंगली से यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी आपको इसी रोम में मिलेगा जो कि आपको स्टॉक रोम में नहीं मिलेगा। जनाब, इस रोम की अगर बैटरी कंजप्शन की बात करें तो मैं कहूँगा मच बेटर देन स्टॉक रोम। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो काफ़ी स्मूथ है और अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई लैग आपको नज़र नहीं आएगा यूज़ करते हुए। आप इसकी एनिमेशन अगर चेक करेंगे तो एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है, जो कि आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा। मज़े की बात जो इस रोम में है वो है डॉल्बी सराउंड, यानी कि डॉल्बी प्लस। जब आप इसे ऑप्शन को ऑन करेंगे, इसे यूज़ करेंगे तो आपको वाकई में फ़र्क मिलेगा। जब आप कोई साउंड या कोई म्यूज़िक या मूवीज़ देखेंगे और इसे यूज़ करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि साउंड में कितनी तब्दीली आ जाती है। इसके अलावा वाइपर फॉर एंड्रॉयड भी अवेलेबल है। ये जब आप मैजिस एप्लीकेशन को टर्न ऑन करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें फीचर्स दिए हुए हैं वो अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, अगर स्टॉक रोम में आपको गूगल डायलर मिलता है और गूगल SMS एप्लीकेशन, रिफ्रेश रेट जो है वो 60Hz मिलता है, जिसमें आपको डॉल्बी प्लस में नहीं मिलता, इसके अलावा वाइपर फॉर एंड्रॉयड नहीं मिलता और जो 90 फ्रेम पर सेकेंड स्क्रीन रिकॉर्डर है वो नहीं मिलता, तो आप यकीनन अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करें, कस्टम रिकवरी फ्लैश करें। इस रोम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से रोम को डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। जरूर कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको तरीका नहीं आ रहा हो फ्लैशिंग का, मैं ट्यूटोरियल वीडियो इसका जरूर बनाऊंगा। ठीक है जनाब, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब साथ में कर दीजिएगा, अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।